गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू रिविजन यूज ऑफ ए एंड एन। ओके बेटा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों का सिलेबस अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ओके बेटा, अब हम लोग जो है टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, तो आज जो है हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, यूज ऑफ ए एंड एन। ओके, I explained you, but today again I am going to explain use of a and an. Okay? आज हम लोग फिर से जानेंगे कि a और n का यूज हम लोग कब करते हैं। Okay बेटा? So बेटा, we use a with singular nouns. Okay बेटा? हम लोग a का यूज कब करते हैं? Singular noun के साथ करते हैं। But जो कैसी sounding देते हैं? साउंडिंग देते हैं कॉन्सोनेंट्स की। ओके बेटा, कॉन्सोनेंट्स की जो साउंडिंग देते हैं उनके साथ हम लोग अ का यानी ए का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है बेटा एन। एन का यूज हम कब करते हैं? एन का यूज हम लोग नाउन सिंगुलर नाउन के साथ ही करते हैं, बट वो किसकी साउंडिंग दे? वॉवल्स की साउंडिंग दे तब। ओके बेटा, सो बेटा इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा यूज ऑफ ए के लिए, सिंगुलर नाउन प्लस कॉन्सोनेंट्स साउंड। ओके, सिंगुलर नाउन तो रहेगा, उसके साथ जो है साउंडिंग जो होगी हमारी वो कॉन्सोनेंट्स की होगी। ठीक है? ओके बेटा, एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आपका मान लीजिए अ, ठीक है, बॉय। ओके बेटा, बॉय के साथ हमने अ का यूज किया है, यानी ए का यूज हमने किया है। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो है बॉय, बॉय में जो है साउंडिंग किसकी हो रही है? कॉन्सोनेंट्स की साउंडिंग हो रही है। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल इज अ कैट। ओके, अ कैट, कैट, कैट में किसकी साउंडिंग हो रही है? कॉन्सोनेंट्स की साउंडिंग हो रही है। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वीन। ओके, इसमें भी आपकी कॉन्सोनेंट्स की साउंडिंग हो रही है। इस तरह से आप लोग बहुत सारे आप लोग वर्ड्स ले सकते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट्स की साउंडिंग होती है। ओके बेटा, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? उसके साथ ए का यूज करना पड़ेगा। ओके, एक चीज को शो करने के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट यूज ऑफ एन। इसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा, सिंगुलर नाउन इसमें भी रहेगा आपका, प्लस और यहाँ पर चेंज क्या होगा बेटा, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होता था और यहाँ पर आपका वोवेल साउंडिंग होगी। ओके, वोवेल साउंडिंग होगी। वोवेल साउंड मीन्स स्वर। ओके, कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है ध्वनि और वोवेल्स मीन्स क्या होता है? स्वर होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अम्ब्रेला। यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसकी साउंडिंग हो रही है? वॉवेल्स की साउंडिंग हो रही है। ओके, इसलिए यहां पर आएगा एन। ओके, नेक्स्ट इंक पॉट। ओके, इंक पॉट में किसकी साउंडिंग हो रही है? साउंडिंग हमारी हो रही है वॉवेल्स की, इसलिए यहां पर भी एन ही आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल इज आंट। ओके, यहां पर भी साउंडिंग हो रही है किसकी? वोवेल्स की, स्वर की। ओके, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा? एन आएगा। ओके बेटा, इस तरह से हमने क्या सीखा? ए का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर नाउन।
नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स तो आप सबको पता है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, नाउन्स आपका जो होता है नेमिंग वर्ड होता है. ओके, कोई भी थिंग नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें बेटा जब आती हैं और वो भी सिंगुलर होती है, ओनली वन होती है, कितने शो करती है, ओनली वन. ओके बेटा, और उसके साथ जो है साउंडिंग किसकी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट्स की साउंडिंग होनी चाहिए, तब तो हम वहां पर यूज करेंगे ए का. ओके बेटा, अब यूज ऑफ एंड में भी क्या करना है, यूज ऑफ एंड में ये भी सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज होता है, बस दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि इसको हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करते हैं जबकि एंड को हम वॉवेल साउंड के साथ यूज करते हैं. ओके बेटा, आई होप यू डेट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. ओके बेटा, आप लोगों को अच्छे से ए और एन का यूज समझ में आ गया होगा. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.